ये तो बनने जा रही है यहाँ पे बिहार की फेमस रेसिपी रतुआ। वैसे तो कद्दू का नाम सुनकर हम सभी को लगता है कि कद्दू की रेसिपी है, तो चलो छोड़ो यार कोई और वीडियो देखते हैं, मगर बिहार का ये फेमस रतुआ खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कद्दू से बना है, और आप सभी के लिए कद्दू भी फेवरेट हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप कद्दू ले लें, कद्दू हमने बिल्कुल खींचा लिया है और अब इसे अच्छे से छील लेना है। इसे अच्छी तरीके से कद्दू को छील लें। आपके घर में अगर कोई कद्दू नहीं खाना पसंद करता है, कितनी भी आपने सब्जी बनाकर ट्राई की, बहुत सारी रेसिपी बनाई, किसी को कद्दू नहीं पसंद है, तो रतुआ बनाए, बिल्कुल मज़ेदार चटपटा तीखा खट्टा रतुआ आपको खा के एकदम मज़ा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कद्दू को हमने अच्छी तरीके से छील लिया है। अब आप इसे चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में काट भी सकते हैं या फिर घिस भी सकते हैं। तो चलिए हम कद्दू को अपने अच्छी तरीके से घस लेते हैं। तो कद्दू हमारा घिसा चुका है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना। अब हमने एक तरफ कढ़ाई को चढ़ा लिया है, अब हम इसमें डालेंगे घिसा हुआ कद्दू, साथ में डाल दें इसमें थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से सिझ जाए। आप इसे कुकर में भी सिझा सकते हैं, मगर कढ़ाई में ये घिसा हुआ है तो 2 मिनट में ये अच्छे से सिझ जाएगा। अब आप इसे मीडियम फ्लेम करके 5 मिनट तक ढक करके कुक होने दें। कद्दू को चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं हमारा कद्दू बहुत अच्छे से सिझ चुका है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट छोड़ देते हैं। अब हम कद्दू ठंडा हो चुका है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए कद्दू को भी हम पानी से छान के अच्छे से निकाल लेंगे। आप अच्छी तरीके से कद्दू से दबा के पानी निकाल दें। अब यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बॉल ले लिया, इसमें हम डालेंगे कद्दू जो हमने अच्छे से उबाल के रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक कटोरी दही लिया हुआ है, उसे एक बड़े से बॉल में ले लेंगे। अब इसे अच्छे से आप हिलाते हुए अच्छे तरीके से फेंट लें ताकि दही में कोई भी मलाई रहे तो वो भी अच्छे से घुल जाए। चलिए अब हमने अच्छे से इसे फेंट लिया है, देख सकते हैं। अब हम इसमें कद्दू डाल लेते हैं दही में जो हमने पहले से ही उबाल कर रखा हुआ है। अब हम इसमें अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। बिल्कुल बिहार का फेमस रतुआ बनेगा, आपको हर हलवाई के यहाँ पे ये रतुआ तो मिल ही जाएगा। और आपको भी लगता है बिहार वाले में ऐसा क्या बात है जो हम लोग नहीं बना पाते हैं, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से। चलिए अब इसमें डाल लेते हैं मसाले। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हमने घिस के अदरक ले लिया है, साथ ही में इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, थोड़ा सा हमने मंगरेला लिया है, इसे आप कलौंजी भी बोलते हैं, स्वादानुसार नमक ले लिया है, 2 कटी हुई हरी मिर्ची, आप इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं, थोड़ा सा पिंच है टर्मरिक पाउडर का, यहाँ पे 2 दाना हमने हल्का सा हींग भी ले लिया है स्वाद के लिए, हींग से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और साथ में डालेंगे इसमें 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल। सरसों तेल कच्चा ही हमने यूज़ किया, इसे गर्म नहीं किया, आप भी कच्चा ही डालिए, इससे अलग ही स्वाद आता है। और अब इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए। बिल्कुल बिहार वाला एकदम फेमस ये रतुआ है ना, तैयार हो चुका। आप इसे कचौड़ी के साथ खा सकते हैं, साइड डिश में एंजॉय कीजिए। और जिन्हें लौकी नहीं पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा इलाज है, इस बहाने से वो लौकी भी खाएंगे और उन्हें मज़ा भी आएगा ये खा के, बहुत ही आसान रेसिपी। ऊपर से इसमें हमने हल्का सा सरसों तेल और राई भी छींट दिया है। आप मस्टर्ड सीड को बस थोड़ा सा मिक्सर में पीस लें और वो भी डाल दें, इससे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और राई से बहुत अच्छा इसका स्वाद।